दुपट्टे का पिसा हुआ नमक में बिक रहा है। यहाँ पे देवी देवता प्रकट होते हैं और एलिवेशन देखते हैं कितना गेन होता है यहाँ से, और यहाँ पे लोग बता रहे हैं ये अटैक भी करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ भाई, ये है चंबा के पास की जगह, जो मेरे पीछे आप मार्केट देख रहे हैं ये है चंबा मार्केट। और सामने से दिखाऊं तो इस तरह से दिखती है कुछ, और ये है भाई मसूरी रोड चंबा की मार्केट के अंदर। यहाँ से शुरू होके पूरे होते हुए ये नीचे कोटी कॉलोनी वाली रोड जाती है। अभी हम जा रहे हैं सुरकंडा की साइड। तो इसी के साथ ही सर्दियों का आगाज भी स्टार्ट हो गया है, और आप सामने देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे जो चमकीले पर्वत दिखाई दे रहे हैं आपको, बर्फ़ से ढके हुए पूरे। वो दिन पर दिन यहाँ पे ना डेली आप नोटिस करोगे, डेली बर्फ़ बढ़ती रहती है। फिलहाल अभी कुछ बादल लग रखे हैं तो आपको शायद कम दिख रहे होंगे, लेकिन ये आप देख सकते हो टोटी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई। जैसा कि भाई आप लोगों को पता है कि आजकल नवरात्रों का सीजन है, तो नवरात्रों के सीजन में मैं मंदिर प्लान कर रहा था, तो सुरकंडा वगैरह का सही लगा मुझे, क्योंकि जैसे देवी देवताओं का इस टाइम पे है, तो जो 52 सिद्धपीठ है हमारे भारत में उनमें से एक सुरकंडा माता भी है, और ये नज़दीकी हमारे यही वाला मंदिर था। तो अभी हम सुरकंडा माता के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से लगभग सुरकंडा माता की मंदिर की जो दूरी है 20 किलोमीटर के आसपास है, और ट्रैक जो रहने वाला है 2 से 3 किलोमीटर है। बाकी आप वहाँ पर ट्रॉली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो ये पूरी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है ग्रेनारो के माइक से, जो कि वायरलेस माइक है। तो अभी भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना विदाउट माइक है, नॉर्मल फ़ोन से बोल रहा हूँ मैं, फ़ोन के इनबिल्ट माइक है जो, उससे बात कर रहा हूँ। और पिछली जो वीडियो देखी होगी आपने उसमें ग्रेनारो के माइक से मैंने बोला है, तो आप बताना कि कौन सी क्वालिटी बेटर है। तो भाई यहाँ जब मर्जी तब गर्मियों में भी आओगे तो ऐसी ठंड मिलती है, और तो सर्दियों में जो ठंड होनी है ऑब्वियसली बात है, लेकिन इस साइड थोड़ा धूप वगैरह है तो उतना नहीं लग रहा है। लेकिन जब चल रहे हैं भाई तो टू व्हीलर को आपको पता है कि ठंड तो लगनी है, तो जैकेट वगैरह हमने अच्छी खासी डाल रखी है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं कद्दू खाल में, और इसके ऊपर है मंदिर। यहाँ पे आपको काफी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और दोनों तरफ से रास्ता है, उस साइड से भी इस साइड से भी। तो हम लोग इधर से चल रहे हैं अभी। यह है कद्दू खाल की मार्केट जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। भाई अभी मैं हूँ कद्दू खाल में, यहाँ से ट्रैक का कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। देखते हैं यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है और स्पीड क्या रहने वाली है। बस आराम से जाएंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लगभग 12:45 अभी टाइम हो रहा है। और एलिवेशन देखते हैं कितना गेन होता है यहाँ से, कितनी हाइट पर है सुरकंडा देवी मंदिर। मार्केट के सामने आपको ये बहुत ही खूबसूरत से दृश्य देखने को मिल जाता है यहाँ की, मतलब सुंदरता को जो और भी बढ़ा देता है। ये सारे खेत हैं जो कि हमारी सड़क से सटे हुए गांव हैं। तो अगर आप लोग भाई ट्रैक करने में असमर्थ हैं तो आप लोग यहाँ पे सहारा ले सकते हैं रोप वे का, एक पर्सन का 205 रुपये, जो कि अप डाउन का है और नॉन रिफंडेबल है। तो ये सारी लाइन उसी की लगी हुई यहाँ पर, और यहाँ से रोप वे जा रहा है मंदिर में सीधा ऊपर। जो शॉर्टकट रास्ते थे भाई ये वाले थे, लेकिन यहाँ चढ़ाई ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ से जाने से अवॉइड करना, जो आपका नेचुरल वे है उसमें जाना जहाँ से आप ट्रैक प्रॉपर कर पाए। ऐसे वालों में आसानी से लगता इजी है, लेकिन थकान और ज़्यादा लगती है। वही दर्शन करने के पश्चात आप यहाँ पे पहाड़ की जो है पकौड़ियों का आनंद ले सकते हैं, जो आपको मिलेंगी। एक तो तली हुई जो मिर्च होती है यहाँ काफ़ी फेमस होती है और स्वादिष्ट होती हैं, तो ये गर्मा गर्म पकौड़ी का आनंद भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो भाई क्या प्यारे प्यारे से बंदर यहाँ पे छोटे छोटे, और यहाँ पे लोग बता रहे हैं ये अटैक भी करते हैं, तो लैट से हाथ से ही छीन लेते हैं बस। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ भाई, देखो भाई क्या प्यारे लग रहे हैं। 2-3 छोटे छोटे थे ना, वो तो बहुत ही मस्त लग रहे थे। ये देखो छोटी सी बच्ची को देखो भाई, वो देखो देख रहे क्या मसली थे ना। सुबह के रसदार में गए थे तो हम वहाँ पे बैठ गए थे, तो आपको एक्चुअल ट्रैक दिखा देता हूँ जो 1.33 किलोमीटर का है नीचे से, जहाँ से हमने कद्दू खाल से स्टार्ट किया था और अभी मंदिर के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ये एक्चुअल ट्रैक था, एलिवेशन आगे दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम सुरकंडा माता के दरबार में,
और यहाँ से माता का प्रांगण हो जाता है स्टार्ट। काफी नवरात्रों के उसमें काफी सुंदर सजा रखा है यहाँ पे। तो भाई दर्शन वगैरह आपको जल्दी कराऊंगा, फिलहाल ना धूप अगरबत्ती कर लेते हैं। यहाँ की विशेषता के बारे में बताऊंगा। जय जय जय। तो भाई धूप वगैरह हमने जला दी है और यहाँ पे जय सुरकंडा माता के नारे भी लग रहे हैं पीछे। मतलब नारे तो नहीं बोल सकते, नारे बोलेंगे हाँ, जय जयकारे बोल सकते हैं यार, नारे नहीं बोल सकते, जय जयकारे। मतलब माता का जय जयकारा भी लग रहा है पीछे। हम सिरफल वगैरह फोड़ने के लिए है, अगर आप नहीं फोड़ पाते हैं तो आप और मतलब किसी को 20 रुपए दे के 10-20 रुपए दे के वहाँ से फुड़वा सकते हैं सिरफल या नारियल जो भी आप यहाँ चढ़ाते हैं। फिलहाल आपको कुछ सिनेमेटिक दिखाते हैं। तो अगर मैं समुद्र तल से एलिवेशन की बात करूं तो भाई यहां से 2790 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ ये माता का मंदिर है जो कि 51 सिद्धपीठों में से एक है। भाई यहां के ना मौसम का कुछ पता नहीं होता है। अभी सुरकंडा देवी का आप 360 व्यू देखो, यहां से चारों तरफ का पैनोरमा व्यू कुछ इस तरह से दिखता है माता का मंदिर चारों तरफ से। तो जिस मंदिर में हम अभी हैं यह है सुरकंडा माता मंदिर, और ये जो है मेनली सुरकंडा माता मंदिर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सुरकुट पर्वत पर स्थित है। तो सुरकुट पर्वत स्थित होने के कारण इस मंदिर का नाम सुरकंडा देवी माता मंदिर रखा गया। 51 सिद्धपीठ जैसा कि आप जानते हैं, शिव जी की जब माता सती के शरीर को उन्होंने जब उन्होंने अग्निदाह किया था हरिद्वार में कनखल में, तो उसके बाद उन्होंने शिव जी को गुस्सा आ गया था और अग्रेशन रूप में उन्होंने जब वो माता सती को ले जा रहे थे तो यहाँ पे उनका शरीर गिरा था, मतलब हेड वाला जो पार्ट है वो वाला गिरा था, इसलिए इसको सुरकंडा माता मंदिर कहा जाता है। बाकी जो चंद्रबंदनी मंदिर है वहाँ पे उनका शरीर के वदन का गिरा था, जहाँ जहाँ जिस टुकड़े को माता के जो जो टुकड़ा पड़ा है उस हिसाब से सिद्धपीठ बने हैं। तो ऐसे ही माता के 51 टुकड़े हुए थे शरीर के जो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पड़े थे और उनका विभिन्न विभिन्न नाम रखा गया। तो सुरकंडा माता के जो मैती हैं उनको जड़दारी लोगों को माना जाता है जो कि जड़दार गांव के निवासी हैं। जड़दार गांव यहां पे एक चंबा से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव है, और वैसे जो पुजारी हैं वो पुजारी गांव के हैं जो कि इस माता की वर्ष भर में पूजा करते हैं। और उनके संबंध में कुछ भक्तों के लिए एक सूचना यहां पे है, जिस मतलब पुजारी गाँव वालों का क्लेम करना ये है कि जो भी डोली है उसे माता की कोई डोली नहीं थी, माता की सिर्फ एक ही डोली है जो वर्ष में एक बार अपने मैच जाती है और एक बार यहाँ आती है, उसके अलावा कोई डोली नहीं है। तो ये पुजारी गांव वालों ने यहाँ पे सूचना दी है जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भाई माता के चढ़ावे की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली वैसे तो आप प्रसाद स्वरूप में आप खील बतासे और जो भी सिरफल होता है नारियल होता है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन होता है जैसे भोलेनाथ को आप भांग के उससे बोलते हैं कि वो चढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पे बद्रीनाथ में भी कुछ है स्पेसिफिक है। तो वहाँ तो यहाँ भी एक रौंसली का एक वृक्ष है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो रौंसलियों का जो पत्तियाँ होती हैं वो माता सुरकंडा को चढ़ाई जाती है, ऐसा बताया जाता है कि उनसे माता प्रसन्न होती है। तो अगर मैं यहाँ पे मौसम की बात करूँ तो यहाँ लगभग ज़्यादातर महीनों में सब बाकी एरिया की जगह थोड़ा ठंडी होती है, और घूमने के पर्पज़ से अगर आप लोग आ रहे हो दर्शन के लिए तो यहाँ पे 12 महीना जो है खुला होता है मंदिर, तो आप दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भाई मंदिरों की बात करूँ तो ये सामने आपको आप देख पा रहे होंगे यह सुरकंडा माता का जो मेन मंदिर है, और यहाँ पे जो तीन मंदिर और है ये सामने आप देख पा रहे हैं, यह है भाई हवन कुंड जहाँ पे कि हवन संपन्न किया जाता है। तो ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है जो कि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में और शादियों में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन्हें बोला जाता है भाई गढ़वाल के ढोल दमन। तो भाई अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ ना तो यहाँ के मौसम का कुछ भी पता नहीं होता है, जैसा कि जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा हमें मतलब पसीने से लथपथ हो गए थे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने घने बादल लग चुके हैं, और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि पहले बारिश आएगी फिर बरसात होगी, यहाँ डायरेक्ट बर्फ भी पड़ जाती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही डाउन चला जाता है।
नागेंद्र हारा त्रिलोचनाया बस मांग रगाया माहेश्वर। प्रोडक्ट भी है और एक ये वाला नमक भी है 20 रुपए का है सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक। ये इसमें लहसुन भी ऐड है लेकिन इसमें हरी मिर्च वगैरह बाकी चीजें सारी हैं। 170 तो भाई अर्निंग के कितने स्रोत हम जनरेट कर सकते हैं ना हमें खुद भी नहीं पता। मतलब वहाँ पे देखो एक थैली है मुश्किल से 50 से 100 ग्राम की होगी, सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक और हरी मिर्च केवल और 50 रुपए की और ढंग से बिक रहे हैं अच्छे से दबा के। तो जो मैं रौंसली की बात कर रहा था भाई ये होती है रौंसली और माता रानी का प्रसाद होता है ये। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों पर माता रानी की कृपा बनी रहे मेरे सभी दर्शकों पर। तो भाई नवरात्रों का जो ये पर्व है काफी सही है, मतलब यहाँ आके ना एक सुकून सा, जो भी हमारे तीर्थ स्थल है हमें उत्तराखंड में जो भी तीर्थ स्थल घूमने को मिलते हैं वहाँ पे जब हम जाते हैं ना भाई हमें वाकई में यहाँ पे एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे ढोल दमाव बज रहे हैं और बहुत ही इनकी एक अलग की फ्रिक्वेंसी होती है जिससे कि लोगों पे यहाँ पे देवी देवता प्रकट होते हैं और अलग अलग देवी देवता हर इंसान पे अलग अलग आते हैं, किसी किसी पे दृष्टि देता है भगवान, हर किसी पे वो देवता नहीं आते हैं। तो उम्मीद है भाई आप सब लोगों को ये हरा सा मंदिर, खूबसूरत सा मंदिर और 51 सिद्धपीठों में से एक पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।